Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Okay, ji. So let's start today's lecture. I'm as usual going to mute all of you. You are more than welcome to ask any questions in between. Right, Janab. So yesterday we were basically discussing the guidelines for evaluating the claims of sports supplements. Or humne jo first एक गाइडलाइन मेजर गाइडलाइन डिस्कस की थी डिटेल से दैट वाज हाउ वैलिड इज द क्लेम और उसके अंदर हमने देखा था कि क्या हमारी जो न्यूट्रिशन नॉलेज है न्यूट्रिशन साइंस है उसके साथ वो क्लेम मैच करता है या फिर वो बहुत ही कोई टू गुड टू बी ट्रू टाइप का कोई वो क्लेम है और इसी तरह हमने बात की थी कि क्या जो उस स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के अंदर अमाउंट और फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट है वो वही वाला है जो हम रिसर्च स्टडीज में ज्यादातर यूज करते हैं और थर्डली हमने बात की थी कि क्या जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट में इन्वॉल्व है हमारा पर्टिकुलर क्लाइंट क्या वो उस स्पोर्ट से रेलिवेंट है वो क्लेम या नहीं ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया था आज इसी टॉपिक को हम फर्दर लेके चलेंगे कि हम किस तरह से किसी क्लेम को विच इज मेड बाय अ पर्टिकुलर स्पोर्ट सप्लीमेंट हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं नेक्स्ट जो सेकंड मेजर पॉइंट है हाउ गुड इज द सपोर्टिव एविडेंस यानी जो हमारे पास एविडेंस है इस क्लेम से रिलेटेड रेलिवेंट जो एविडेंस है वो किस हद तक ठीक है अच्छा इसके बीच में हमने क्या क्या चीजें देखनी है सबसे पहले है इज द एविडेंस प्रेजेंटेड ऑन टेस्टिमोनियल्स और साइंटिफिक स्टडीज हाँ कल भी बेटे थोड़ी सी मैंने बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बेटे ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट देख रहे हो जिसका या इवन फॉर दैट मैटर जरूरी नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की हम बात करें जनरली भी कोई सर्विस भी अगर आप देख रहे हो जिसका क्लेम सिर्फ टेस्टिमोनियल्स के ऊपर है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते उसकी रीजन मैंने कल भी आपको बताई थी उसकी बड़ी सिंपल कॉमन सेंस वाली रीजन है कि टेस्टिमोनियल्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते यू नेवर नो कि वो टेस्टिमोनियल जिस बंदे के नाम से है भाई फेसबुक पे लिखा हुआ है किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी सर्विस के बारे में हुमैरा शाहीन ने की जी अब्दुल रहमान ने की अब्दुल गफूर ने की How would you know such people? आपको क्या पता कि वो लोग वाकई में कोई हैं, कोई एग्जिस्ट करते भी हैं कि किसी ने एक दो तीन चार पांच छह आईडीज और बना के तो उन्हीं से डिफरेंट डिफरेंट आईडी से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो कमेंट्स किए हैं ठीक है तो इट्स एज सिंपल एज दैट या दूसरी बात यह जैसे मैंने बताया था अगर बहुत फेमस भी कोई पर्सनैलिटी का नाम हो तो यू हैव नो ऑप्शन कि आप उनको कॉन्टेक्ट करके पूछो चेक कर सको कि भाई आप वाकई प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं कि नहीं और साइंटिफिक दूसरा रीजन ये है कि साइंटिफिक स्टडीज जाहिर है ऑथेंटिक होती हैं जनरली जब हम टेस्टिमोनियल्स की बात करते हैं तो यू नेवर नो कि टेस्टिमोनियल अगर किसी ने बंदे ने जेन्युइनली भी किया है तो वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे तो नहीं कर रहा ना वो तो सिर्फ उस बेसिस पे कर रहा है कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस से किस हद तक या कितना सेटिस्फाइड है या कितना सेटिस्फाइड नहीं है तो अगेन उसके अंदर कोई साइंस का रोल तो एज सच नहीं आ जाता ठीक है तो You always have to look for the role of scientific studies. दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है what is the quality of the science check, the credentials of the researchers, and the journal in which the research was published. Did the manufacturer sponsor the research? अच्छा इसमें further बहुत सारी चीजें आ गई हैं. Well, okay. अब जब हम बात करते हैं scientific studies की तो क्या सारी की सारी scientific studies equal होती हैं? क्या सारी की सारी scientific studies को हम ये कह सकते हैं कि वो authentic हैं? क्या कहीं से भी हम कुछ पढ़ते हैं चाहे वो साइंस से या न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो क्या वो सब ऑथेंटिक होता है नॉट रियली बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता पहली चीज तो ये कि बेटे यू नीड टू अंडरस्टैंड शायद आपने पहले कभी नाम सुना हो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर डिग्रीज ओवर बाय नाउ देयर इज दिस टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन रिसर्च व्हिच इज कॉल्ड जर्नल्स फौज वाला जर्नल नहीं जर्नल विद अ जे जे ओ यू आर N A L, J O U R N A L, जर्नल का मतलब ये होता है एक ऐसी पब्लिकेशन जिसके अंदर हम साइंटिफिक आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं जब हम मैगजीन की बात करते हैं तो मैगजीन में क्या होता है मैगजीन में हेल्थ होती है ब्यूटी होती है डेली बेसिस से रिलेटेड टिप्स होती हैं कुकिंग रेसिपीज हो सकती हैं है ना तो मैगजीन जर्नल की जर्नल मैगजीन की तरह ही होता है बट द मेजर डिफरेंसेस जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जर्नल में कोई भी आर्टिकल डेली
लेमैन के लिए नहीं लिखा जाता, जर्नल में जो भी आर्टिकल लिखा जाता है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए लिखा जाता है और वो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है और वो रिसर्च बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैगजीन में मैंने भेजना है कोरोना के लिए, तो मैं भेज दूंगा सिंपली जी कोरोना की प्रिवेंशन ऐसे ऐसे हो सकती है, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, एक्स वाई जी व्हाटएवर जो भी है। लेकिन अगर वही पेपर मैंने जर्नल के अंदर भेजना है तो जब तक मेरे पास ऑथेंटिक रेफरेंसेस नहीं है, जब तक मैं एक सर्टेन वे में उसको नहीं लिख रहा जो वो जर्नल डिमांड कर रहा है, जब तक मैं साइंटिफिक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, तब तक मैं वो पेपर रिसर्च आर्टिकल उस जर्नल के अंदर पब्लिश करने के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जर्नल इज समथिंग जो आपकी साइंटिफिक स्टडीज को पब्लिश करता है। एक जर्नल में नॉर्मली 10, 15, 20 या समटाइम्स उससे भी ज्यादा स्टडीज पब्लिश होती है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि जिस किस्म का जर्नल्स की क्वालिटी होती है। डेफिनेटली जब हम किसी भी चीज की बड़े बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की जाती है, मैगजीन्स की क्वालिटी होती है, ड्रामास की रैंकिंग होती है, हर चीज की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरह जर्नल्स की भी रैंकिंग होती है और उस रैंकिंग के अंदर हमें बेसिकली ये पता चलता है कि जनाब ये जर्नल में जो रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं ये कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। सारी की सारी रिसर्चेस जो किसी जर्नल में पब्लिश होती हैं वो ऑथेंटिक जाहिर है कि नहीं होती। तो हमने ये देखना है कि क्या वो सप्लीमेंट जब अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है वो किसी एक बहुत ऐसे जर्नल की रेफरेंस दे रहा है जो बहुत ही लो क्लास है या बहुत ही अनऑथेंटिक है, या किसी बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर, मैंने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बोल दी है जो अभी के कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट यू कैन सिंपली से एक बहुत हाईली ऑथेंटिक जर्नल का रेफरेंस दे रहा है आपको। तो ये चीज आपने जरूर इवेल्युएट करनी है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है कि जिन, जाहिर है जब आप रिसर्च का रेफरेंस देते हैं तो उसके ऑथर्स भी बताते हैं कि रिसर्च किसने की और ये रिसर्च आर्टिकल किसने लिखा है। तो आपने देखना है कि क्या वो जो ऑथर्स हैं वो कोई इंडिपेंडेंट ऑथर्स हैं या वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। अगर तो वो किसी यूनिवर्सिटी के, जाहिर है यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड कौन लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ या बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने एमफिल या एटलीस्ट एमफिल या पीएचडी की भी होती है, नॉर्मली वही लोग यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर तो एक ऐसे बंदे की रिसर्च है जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है तो मोर ऑफन देन नॉट वो रिसर्च ऑथेंटिक है। लेकिन अगर एक ऐसे बंदे की रिसर्च है जो इंडिपेंडेंट है, जिसने, यानी वो खुद से काम करता है, वो किसी यूनिवर्सिटी किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो चांसेस आर क्वाइट लो कि वो रिसर्च ऑथेंटिक होगी। वो नॉर्मली यही होता है कि उसको पैसे दिए जाते हैं, जैसे एक्टर्स को पैसे देते हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, इसी तरह उस रिसर्चर को पैसे दिए जाते हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है कि जी ये पैसे ले लें, लेट्स से $10,000 ले लें और हमें एक रिसर्च कर दें, जिसमें इवेंचुअली आपने जबरदस्ती यही प्रूव करना है कि अगर हमारा वाला स्पोर्ट सप्लीमेंट लेंगे तो एथलीट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इनहांस होगी। तो चाहे एक्चुअल रिसर्च में रिजल्ट्स कुछ भी आए, फिर उस रिसर्चर का काम ये बन जाता है, क्योंकि उसने उस कंपनी से, उस स्पॉन्सर से पैसे ले लिए, उसका काम ये बन जाता है कि जनाब जो मर्जी आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हुए आपने उन रिजल्ट्स को बिल्कुल मॉडिफाई कर देना, और ऐसे मॉडिफाई करना है कि आपके रिजल्ट्स को वो पॉजिटिव शो कर रहा होगा कि जनाब अच्छा ये प्रोडक्ट लेने से तुझे एथलीट्स की परफॉर्मेंस इतनी परसेंट बढ़ गई, या उनका मसल मास इतना बढ़ गया, या उनका फैट इतना बर्न हो गया। ठीक है, अब आप डेफिनेटली पूछोगे कि क्या सर ये ऐसे होता है या ये ऑथेंटिक है। ऐसे बेटे इट इज वेरी वेरी कॉमन, इट्स अ नेम ऑफ, इट्स अ गेम ऑफ बिजनेस, इट्स अ गेम ऑफ मनी, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। तो ये दिस इज गोइंग अराउंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ये बहुत कॉमन है। क्या ये ऑथेंटिक, क्या ये एथिकल है? डेफिनेटली नहीं है। आपकी रिसर्च कुछ बता रही है और आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, और हमारा वाला फील्ड इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली डील करते हैं लोगों की लाइफ से, ह्यूमन हेल्थ से। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको, वो कभी भी इस तरह की अनएथिकल हरकत करेगा तो उसका इवेंचुअल इफेक्ट उसके क्लाइंट्स, उसके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये कोई बिल्कुल भी एथिकल चीज नहीं। ठीक है,
फिर जनाब एक और पॉइंट इसमें है, रीड द स्टडी टू फाइंड आउट वेदर इट वाज प्रॉपर्ली डिजाइन एंड कैरिड आउट दैट इट कंटेन्स फेजेस सच एज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड दैट इज अ कंट्रोल ग्रुप वाज इंक्लूडेड इन द स्टडी एंड फेज एंड दैट अ रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ अर्गोजेनिक सब्सटेंस वाज यूज्ड। अच्छा काफी टेक्निकल चीजें हैं इस पॉइंट में। सबसे पहले तो बेटे वो ये कह रहे हैं कि जिन स्टडीज के रेफरेंस दिए हुए हैं, अब एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ डाइटिशियन आपने उन स्टडीज को गो थ्रू करना है और आपने देखना है कि जो स्टडीज के रेफरेंस दिए जा रहे हैं क्या वो स्टडीज प्रॉपरली प्लान थी, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड थी। जब आप उस स्टडी को पढ़ते हो ना तो उसकी पूरी रिसर्च मेथडोलॉजी दी हुई होती है। दुनिया में कोई ऐसा जर्नल नहीं है जो कोई ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर पब्लिश करे और उसकी रिसर्च मेथडोलॉजी ना दी हुई हो। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, वेयर वॉज द स्टडी कंडक्टेड, हाउ वॉज द स्टडी कंडक्टेड, हाउ वॉज द डेटा कलेक्टेड, What was the study participants, humans पे थी या rats पे थी या किसी और animal पे थी, study duration कितनी थी, आपके parameters कौन कौन से study किए, यानी let's say अगर blood samples आपने लिए, कुछ कोई product उनको दी, उसके बाद उनके blood samples लिए, blood samples में क्या क्या देखा, आपने liver function test देखे, renal function test देखे, उनका lipid profile देखा, क्या चीज उनकी देखी, ठीक है, ethical considerations को कैसे make sure किया, और जनाब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपने इवैल्यूएट करनी है। ये तब आप इवैल्यूएट करोगे जब आप स्टडी की रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ लोगे, तो ठीक है जी। अच्छा अब जनाब आपने ये करना है कि इसके साथ साथ आपने एक फ्रेज देखनी है, वो फ्रेज ये है कि जनाब उसमें ये मेंशन्ड हो कि क्या ये स्टडी जो थी ये डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी थी। डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड एक बड़ी टेक्निकल टर्म है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको, या आप रिसर्च में इंशाल्लाह डिटेल से चीजों पर पढ़ूंगे, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जनाब कंट्रोल, पहले तो हम बात कर लेते कंट्रोल ग्रुप क्या होता है किसी रिसर्च स्टडी में। कंट्रोल ग्रुप बेटे एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हम जो चीज को टेस्ट कर रहे हैं, जो चीज को रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज उसको हम कंट्रोल ग्रुप को नहीं देते। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पोर्ट सप्लीमेंट के ऊपर रिसर्च करनी है, मैंने देखना है कि क्या ये स्पोर्ट सप्लीमेंट कंज्यूम करने से एथलीट्स का मसल मास गेन होता है या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो 50 लोग हो क्लास में, आप लोग एथलीट्स हो, मैं 25-25 के दो ग्रुप्स बना लेता हूँ। एक ग्रुप को मैं, ग्रुप ए को मैं देता हूँ डेली बेसिस के ऊपर एक सर्विंग उस स्पोर्ट सप्लीमेंट की, ये मेरा इंटरवेंशन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इंटरवेंशन ग्रुप है, यानी ऐसा ग्रुप है जिसको मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ। नंबर टू जो दूसरा ग्रुप 25 लोगों का ग्रुप बी बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब है कि इस ग्रुप को मैं कंट्रोल रखूंगा, इस ग्रुप को मैं वो प्रोडक्ट नहीं दूंगा। अब क्यों बनाते हैं हम कंट्रोल ग्रुप, या क्या जरूरत होती है कंट्रोल ग्रुप बेटे हम बनाते हैं फेयर कंपैरिजन के लिए। अगर हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, दोनों ही ग्रुप्स को मैं वो प्रोडक्ट दे दूं, तो मैं ये कंपेयर कैसे करूंगा कि जनाब ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने से मसल मास बढ़ गया या फैट बर्न हो गया। मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना कि जी इस ग्रुप का नहीं बढ़ा क्योंकि इसने प्रोडक्ट नहीं लिया, और इस ग्रुप का इतने परसेंट बढ़ गया कंपेयर टू दिस ग्रुप। तो जब तक मैं कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाऊंगा मेरे पास फेयर कंपैरिजन नहीं होगा और मैं अच्छे से अपने स्टडी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बड़ा जरूरी है कि हम जो भी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करें उसके अंदर हम कंट्रोल ग्रुप जरूर बना रहे हों, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक टर्म यूज की हुई डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल। अच्छा प्लेसिबो क्या होता है, डबल ब्लाइंड पे जाने से पहले, प्लेसिबो बेटे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम एक्चुअल प्रोडक्ट के तौर पे देते हैं लेकिन वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होती। यानी से फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट सप्लीमेंट में दे रहा हूँ पाउडर वाला इंटरवेंशन ग्रुप को, जिनको रोज मैंने स्पोर्ट सप्लीमेंट दे रहा हूँ, उनको एक्चुअल स्पोर्ट सप्लीमेंट दे रहा हूँ, उसकी फॉर्म क्या है, पाउडर फॉर्म। दूसरे ग्रुप को मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको कहूंगा अच्छा जनाब आप लोग रिसर्च में तो इंक्लूडेड है मेरी लेकिन आपको मैंने देना कुछ नहीं है। नहीं, उनको मैं क्या दे रहा हूँ, उनको मैं प्लेसिबो दे रहा हूँ। अब प्लेसिबो बेटे ऐसी प्रोडक्ट होती है जो दिखने में उसी प्रोडक्ट की तरह होती है जो इंटरवेंशन ग्रुप को मिल रही होती है लेकिन एक्चुअली उसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। लेट से प्लेसिबो के तौर पे मैं उनको, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं उनको इस बगोल का छिलका दे दूंगा, वो भी पाउडर फॉर्म में ही होता ना,
they would not recognize ki acha ho ki ye wo sports supplement hai isbghol ka chhilka hai theek hai to hum acha hum kyun nahi batate unko ki nahi de isliye nahi batate ki janab ye aapka bias aa jata hai study mein unko pehle se hi pata hoga ki janab hamari jo group hai usko to wo product de hi nahi rahe usko isbghol de rahe hain to jab aap unse results lene jaoge aap kahoge acha ye product lene ke baad aapko koi strength inner strength feel ho rahi hai wo kahenge nahi क्यों क्योंकि बैक ऑफ द माइंड दे ऑलरेडी नो भाई हमने तो प्रोडक्ट ही नहीं यूज की तो हर बात का जवाब ना में ही होगा ये कोई भी चीज कंज्यूम करने से हमें तो ये तो प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं की तो कोई भी चीज कंज्यूम करने से हमें कैसे कर सकता है हमारी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती हो सकती है हमारा स्टेमिना कैसे बिल्ड हो सकता है हमारी मस्कुलर पावर कैसे इंक्रीज हो सकती है एक्स वाई जेड ठीक है तो इससे बचने के लिए हम प्लेसिबो देते अब जवाब सवाल आ गया डबल ब्लाइंड का डबल ब्लाइंड को अंडरस्टैंड करने से पहले सिंगल ब्लाइंड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है जनाब डबल ब्लाइंड क्या होता है डबल ब्लाइंड ये होता है सबसे पहले मैंने कहा सिंगल ब्लाइंड ये होता है कि ब्लाइंडिंग या मास्किंग इस फेनोमेना को बेटे कहते हैं पब्लिक हेल्थ में ऑलमोस्ट हर रिसर्च के अंदर हम इसको यूज करते हैं ब्लाइंडिंग या मास्किंग सेम टर्म है पहले मैं सिंगल ब्लाइंडिंग या सिंगल मास्किंग बता देता हूँ उसमें यह होता है कि जो आपका स्टडी पार्टिसिपेंट है सिंगल में उसको नहीं पता कि क्या मैं कंट्रोल ग्रुप में हूँ या मैं इंटरवेंशन ग्रुप में हूँ या क्या यानी क्या मैं एक्चुअल स्पोर्ट सप्लीमेंट ले रहा हूँ या क्या मैं इसबगोल ले रहा हूँ क्यों हम उसको नहीं बताते हम उसको इसलिए नहीं बताते सो दैट वो अपने जब हम उससे रिजल्ट्स लेने जाएं तो उनको अंडर रिपोर्ट या ओवर रिपोर्ट ना करे जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए जब उसको ऑलरेडी पता होगा कि मैं स्पोर्ट सप्लीमेंट नहीं ले रहा मैं इसबगोल ले रहा हूँ तो वो उसका हर चीज का जवाब ना में होगा जो आप उससे पूछोगे स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ स्टेमिना फिटीग कम हुई बेटर लग रहा है ओवरऑल वेलनेस बेटर लग रही है हेल्थ बेटर लग रही है अच्छा फील हो रहा है नौजिया वॉमिटिंग तो नहीं फील हो रहा हर चीज का जवाब नहीं में देता जाएगा क्यों सिंपली बिकॉज ही और शी नोज कि जनाब मैं तो इंटरवेंशन ग्रुप में था ही नहीं मैं तो था ही कंट्रोल ग्रुप में तो मेरे पे इफेक्ट कैसे आ सकते एज सिंपल एज दैट ठीक हो गया ये है सिंगल ब्लाइंडिंग या सिंगल मास्किंग अब डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग में क्या होता है कि ना तो स्टडी पार्टिसिपेंट को ये पता होता है और ना डेटा कलेक्टर को ये चीज पता होती है इससे क्या फायदा होता है ये सिंगल ब्लाइंडिंग से बेटर फॉर्म है इससे फायदा ये होता है कि जब अगर डेटा कलेक्टर को पता होगा कि ए ग्रुप में जो लोग हैं वो मेरे इंटरवेंशनल ग्रुप हैं बी ग्रुप में जो लोग हैं वो इसबगोल वाले लोग हैं तो वो खुद से जनाब जब जाएगा बी ग्रुप के पास अभी उनके बोल उन्होंने बोला नहीं होगा तो वो खुद से लिखता जाएगा ओहो भाई ये ग्रुप तो है ही कंट्रोल ग्रुप इनको कौन सा कोई इफेक्ट आना था पॉजिटिव इनकी ये चीजें कैसे हो सकती है तो वो अपने एंड पे बाइस इंट्रोड्यूस कर देगा तो डबल ब्लाइंडिंग या डबल मास्किंग वो चीज है जिसके अंदर ना तो स्टडी पार्टिसिपेंट को पता है ना डेटा कलेक्टर को पता है कि जिससे मैं डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ ये इसने ये कंट्रोल में था या ये इंटरवेंशन में था रिसर्चर को पता होता है जो डेटा कलेक्टर को भेज रहा है जो मेन रिसर्चर ठीक है थर्ड एक और चीज आती है यहाँ पे तो नहीं मेंशन लेकिन अब एक और चीज भी हम करते हैं ट्रिपल ब्लाइंडिंग या ट्रिपल मास्किंग भी करते हैं उसमें बेटे ये होता है कि ना तो स्टडी पार्टिसिपेंट को पता है वो किस ग्रुप का पार्ट है ना डेटा कलेक्टर को पता है वो किस ग्रुप का पार्ट है नंबर थ्री ना स्टेटिस्टिशियन को पता है कि वो किस ग्रुप को एनालाइज कर डेटा कलेक्टर को नहीं पता उसने डेटा ला के दे दिया उसने कहा भाई एक ग्रुप का ये डेटा है दूसरे ग्रुप का ये डेटा मुझे नहीं पता ग्रुप ए इंटरवेंशन वाले या ग्रुप बी इंटरवेंशन वाले अब स्टेटिस्टिशियन ने एनालाइज कर दिया पहले वाले ग्रुप को फिर दूसरे वाले ग्रुप को उसने सिंपल रिजल्ट्स आके रिसर्चर को बता दिए उसको नहीं पता पहले वाले रिजल्ट्स इंटरवेंशन ग्रुप के हैं या दूसरे वाले रिजल्ट्स इंटरवेंशन ग्रुप के क्यों नहीं पता इसलिए नहीं पता कि स्टेटिस्टिशियन को अगर पता होगा वो एनालिसिस करते हुए घपला कर सकते हैं वो एनालिसिस करते हुए उसको बैक ऑफ द माइंड पता होगा यार इंटरवेंशन वाले ग्रुप के ही अच्छे आने चाहिए कंट्रोल ग्रुप ने तो जब वो प्रोडक्ट ही नहीं कंज्यूम की तो उनके कैसे अच्छे आएंगे रिजल्ट गेटिंग माई पॉइंट तो ये ट्रिपल मास्किंग या ट्रिपल ब्लाइंडिंग इसको हम कहते हैं ठीक है बेटे तो ये फेनोमेना है जो हम लाजमी हर अच्छी रिसर्च में जरूर यूज करते हैं हर अच्छी रिसर्च में जेन्युइन रिसर्च में हाईली ऑथेंटिक रिसर्च में हम जरूर यूज करते हैं तो आपने इस चीज को भी जरूर देखना है कि क्या उस रिसर्च में डबल ब्लाइंड या ट्रिपल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल की बात हुई है अगर तो ऐसी फ्रेजेज हैं तो इसका मतलब है वो रिसर्च हाईली ऑथेंटिक है ठीक है बेटे मुझे जस्ट एक सेकेंड दो मैं अपना चार्जर प्लग इन कर दूं
अच्छा जी, लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शुड बी क्लियरली प्रेजेंटेड इन एन अनबायस्ड मैनर विद एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, चेक दैट द रिजल्ट्स सीम फीजिबल एंड द कंक्लूजंस फॉलो द डेटा. लास्ट पे ये कह रहे हैं कि जब आप पूरी मेथोडोलॉजी पढ़ लेंगे फिर आपने रिजल्ट्स को भी पढ़ना है कि रिजल्ट्स को क्या प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है. आपको रिजल्ट्स में तो कोई ऐसा बायस नहीं लग रहा, यानी आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि मेथोडोलॉजी कुछ कह रही थी, रिसर्च की उन्होंने, किसी तरह से रिजल्ट्स अचानक से ही कोई बहुत ही मिरेकुलस किस्म के रिजल्ट्स आ गए. ऐसा भी करते हैं लोग कि रिसर्च तो बड़ी अच्छी प्लान करते हैं, बड़ा तरीके से करते हैं सो दैट लोगों को बड़े अच्छे से डिसीव कर सकें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स तो उन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ के रिजल्ट्स वही शो करने हैं कि जनाब हमारा सप्लीमेंट लिए बगैर आप एथलीट्स में कम्पीट नहीं कर सकते. कंक्लूजन यही होता है, ठीक है, तो ये भी आपने वैल्यूएट करना. लास्ट जो मेजर पॉइंट है दैट इज द सप्लीमेंट सेफ एंड लीगल. इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें देखनी है. नंबर वन, पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर देयर एनी एडवर्स इफेक्ट्स. आपने बड़े थरली इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सप्लीमेंट कंज्यूम करने से कोई साइड इफेक्ट्स, कोई एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं. वो दो तरह से आप कर सकते हो. पहली चीज तो साइंटिफिकली देख सकते हो उस सप्लीमेंट में क्या क्या मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं. अब जाहिर है आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स रहे हो, अगर आप एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ डाइटिशियन काम कर रहे हो, आपको पता है कि जनाब फलाना प्रोडक्ट कंज्यूम करने, फलाना न्यूट्रिएंट कंज्यूम करने से या सब्सटेंस कंज्यूम करने से क्या साइड इफेक्ट्स हैं. लेट्स से एक सप्लीमेंट में आप देखते हो कैफीन है. अब आपको पता है भाई कैफीन यूज करने से क्या हो सकता है. एक तरफ तो कैफीन आपकी अलर्टनेस इंक्रीज कर सकती है, फोकस इंक्रीज कर सकती है. दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में 300 mg पर डे से ज्यादा लो तो आपको बहुत डायलेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं. अब लेट्स से कि वो सप्लीमेंट आपको दे रहा है 250 mg ऑफ कैफीन, लेट्स से 17 दे रही है. इसके अलावा उसने टी भी लेनी है, कॉफी भी लेनी है, एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक भी लेना है पूरे दिन में, और ये सारी चीजों में कैफीन काफी ज्यादा होता है. उसका कैफीन कंटेंट एथलीट का तो कुछ 400-500 mg पर डे बन जाएगा ना. इसका मतलब है अगर ऐसा सप्लीमेंट वो लेगा तो उसका कैफीन डायरेटिक इफेक्ट करेगा ही करेगा, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को जाहिर रिकमेंड नहीं करना. दूसरा ये कि कुछ साइड इफेक्ट्स इंटरनेट पे भी रिपोर्टेड होते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं. अच्छा, डज द सप्लीमेंट कंटेंट टॉक्सिक और अननोन सब्सटेंसेस. अच्छा, ये भी अगेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का तो अगेन आपको अपने न्यूट्रिशन नॉलेज से पता है. अननोन सब्सटेंसेस, अगर तो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो देखो साइंस में बैठे रिसर्च हमेशा चलती रहती है, और जरूरी नहीं हम कोशिश करते हैं जरूर कि हम अपडेटेड रहें, लेकिन इंसान है जाहिर है ये नहीं होता कि 100%. आप भी समटाइम्स मैं आपको क्लास में कह देता हूँ कि भाई आपने कोई चीज मुझसे पूछी है, मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा, विच इज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल. वी ऑल आर ह्यूमंस. जरूरी नहीं है, दुनिया में हदीस नहीं है कोई कि एक दुनिया के किसी कोने में कोई रिसर्च चल रही है तो उसका मुझे पता होगा, ठीक है. तो समटाइम्स ऐसे होता है कोई नया सब्सटेंस ऐसा रिसर्चर्स बताते हैं कि जी इसको आप स्पोर्ट सप्लीमेंट में ऐड करें तो ये बड़ा अच्छा है, आपको नहीं पता होता. सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द रिसर्च स्टडीज, गो बैक टू द जर्नल्स, और आप चेक कर सकते हो कि क्या कोई ऐसा नया सब्सटेंस आया जो आपके लिए अननोन है, या फिर सब्सटेंस माशाल्लाह इतना अननोन है कि बस वो खामखा उन्होंने कुछ ऐड किया है. इसी तरह से जनाब, इज द सब्सटेंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पीपल विद अ पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को बेटे आपने लाजमी देखना है. जब हम फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन की बात करते हैं तो जब आप उनका लेबल पढ़ते हो तो बहुत सारी ड्रग्स में, बल्कि मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स में लिखा होता है नॉट सूटेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, या नॉट टू बी यूज्ड बाय प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, या जनाब कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन. इस तरह की फ्रेजेस बहुत सारी ड्रग्स के लेबल पे लिखी होती हैं. उसकी रीजन क्या है, उसकी सिंपली रीजन ये है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आपकी फिजियोलॉजी बॉडी की टोटली डिफरेंट हुई भी होती है, तो हर ड्रग यू कैन नॉट जस्ट गो आउट देयर एंड यूज एनी ड्रग दैट इज देयर अवेलेबल इन द मार्केट. तो उसी तरह सप्लीमेंट्स में आपने ये चीज जरूर देखनी है कि क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो किसी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन को मजीद खराब कर सकता है, और आपके एथलीट को अगर वो कंडीशन है तो आपने वो यूज नहीं करना. सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं. जब हम मैं नाम नहीं लूंगा, क्लास वैसे ले रहे होते तो मैं नाम ले देता. हमारे दो बड़े ब्रांड्स हैं जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ये डायबिटीज वाले जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, या किडनी पेशेंट्स के लिए लेते हैं, या इवन प्रोटीन के लिए भी. दो मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान में, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ. या ये बच्चों के लिए जो सप्लीमेंट लेते हैं, एक सर्टन एड भी उसका बड़ा चलता है. तो उनकी जब हम बात करते हैं तो वो दोनों ब्रांड्स में बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि जी लैक्टोज फ्री एंड ग्लूटेन फ्री.
अब अगर हमारा सीलिएक का पेशेंट है और उसको हमने सीलिएक का लेट से बच्चा है और उसको हमने वो ग्रोथ सप्लीमेंट देना है तो हम उसको बड़े आराम से दे सकते हैं बिकॉज इट इज ग्लूटेन फ्री। लेकिन अगर एक हम ऐसा सप्लीमेंट नया कोई पाकिस्तानी ब्रांड है लेट से या कोई नया इंटरनेशनल ब्रांड मार्केट में है जो जिसने GF ग्लूटेन फ्री नहीं लिखा हुआ और हम सीलिएक वाले बच्चे को वो दे दें तो क्या होगा? डेफिनेटली उसको बेनतहा साइड इफेक्ट्स होंगे, उसको डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, शदीद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी। तो ये चीज आपने जरूर देखनी कि आपके क्लाइंट को जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो एथलीट है उसको कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है और क्या कोई उसमें ऐसा सब्सटेंस है सप्लीमेंट में जो उसकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट यानी मजीद खराब कर सके। फिर जनाब है इज द प्रोडक्ट इलीगल और बैंड बाय एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। कल मैंने बात की थी वाडा की, कल मैंने बात की थी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की, उन्होंने वो 6-7 सब्सटेंसेस दिए हुए हैं जो मैंने कहा था आपको पता होने चाहिए। आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जो उस सप्लीमेंट में है जो उन्होंने बैन किया हुआ है, तो वो आपने डेफिनेटली अगर कोई भी एक भी ऐसा सब्सटेंस है तो डेफिनेटली वो आपने नहीं फिर सप्लीमेंट रिकमेंड करना अपने क्लाइंट को, क्योंकि वो बेचारा रगड़ा जाएगा, उसको बैन हो जाएगा जहां पे भी वो फंस गए। ठीक है जी, आई डू होप दैट आई वॉज क्लियर। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटे तो कर लो, फिर हमने आगे वन बाय वन डिटेल्स सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करना। जिसका क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करे और प्लीज पूछता जाए। सर वो 6 सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं जो बैन हुए हैं? 6 सप्लीमेंट्स नहीं है बेटे, 6 इन सब्सटेंसेस हैं। आपने कल की क्लास नहीं ली थी? नो सर, इंटरनेट नहीं था कल सर। और यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, वहां भी नहीं देखा लेक्चर आपने? सर वो इंटरनेट सही नहीं चल रहा था ना तो इसलिए भी नहीं देखा। ओके ओके बेटे, पेज नंबर 65 पे बुक पे आपके दिए हुए हैं, वो एफेड्रिन है, एंड्रोस्टेनिडायोन है, एंड्रोस्टेनिडायोल है, DHEA यानी डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है, 19 नॉर एंड्रोस्टेनिडायोन है और 19 नॉर एंड्रोस्टेनिडायोल। ठीक है जी, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बैंड हैं, ये आपको पेज नंबर 65 बुक से मिल जाएंगे, मेरे लेक्चर में कल भी मैंने बताया। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? बड़ी साइंटिफिक बात है कि आई थॉट देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा चलो, दैट्स गुड, इसका मतलब है समझ आ गया, व्हिच इज गुड। अच्छा जी, अब बेटे हमने वन बाय वन करना ये है कि आज से इंशाल्लाह हमने एक एक सप्लीमेंट को डिटेल से डिस्कस करना है, बिकॉज आपको पता है स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स बेइंतहा तरह की हैं और बहुत बहुत मैंने जितनी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की किताबें पढ़ी हैं और मैंने काफी पढ़ी है, मेरा ख्याल है इससे अच्छा चैप्टर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ सप्लीमेंट्स के ऊपर। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हम आज अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स को डिस्कस करेंगे, 10 मिनट ही सिर्फ रह गए, एक ही सप्लीमेंट हम शायद वो भी पता नहीं पूरा कर सकते हैं या नहीं। हम जब भी कोई सप्लीमेंट पढ़ेंगे बेटे उसको 4 सब हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो सप्लीमेंट है क्या, एक्चुअली उसकी नेचर फॉर्म केमिस्ट्री क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो सप्लीमेंट जब हम लेते हैं इनटेक उसका करते हैं तो वो करता क्या है। तीसरा हम देखेंगे कि क्या एविडेंस है इसके बारे में, रिसर्च क्या कहती है। चौथा हम देखेंगे क्या एक एथलीट को वो चाहिए या नहीं चाहिए, और बल्कि पांचवी चीज भी एक देखेंगे क्या कोई रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अमीनो एसिड सप्लीमेंट से। सबसे पहले जैसे मैंने कहा व्हाट आर दे, होते क्या हैं जी। अच्छा, जो सबसे फेमस अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स हैं वो BCAAs हैं, हमने सब्जेक्ट सेमेस्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। BCAAs 3 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, वेलिन होता है, ल्यूसीन होता है और आइसोल्यूसीन होता है। तो सबसे कॉमनली कंज्यूम जो अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं वो वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन यानी ब्रांचेड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो आपके मसल प्रोटीन्स का 1/3 बनाते हैं, मैंने प्रोटीन के चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। क्या करते हैं ये ब्रांचेड अमीनो एसिड वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, आपके मसल्स का 1/3 इज कंपोज्ड ऑफ दीज ब्रांचेड अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब ये करते क्या है, BCAA सप्लीमेंट जब कोई भी एथलीट लेता है तो वो उसकी बॉडी में जाके क्या करते हैं। अच्छा, थ्योरी ये है कि BCAA सप्लीमेंट्स बेसिकली ये करते हैं कि आपके जो मसल टिश्यू का ब्रेक डाउन है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, BCAA सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो वो आपका जो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज
जो आपका मसल का ब्रेकडाउन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। और बेसिकली ये ब्रांच एंड अमाइनो एसिड्स दो और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट भी होते हैं। वो दो और अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? ग्लूटामीन है और एलानीन है। और जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो ये ग्लूटामीन और एलानीन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इनका दूसरा फंक्शन हो गया। यानी पहला फंक्शन मैंने बताया कि जब आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपकी मसल ब्रेकडाउन को रिड्यूस करें, नंबर वन। नंबर टू, ये अमीनो एसिड्स ग्लूटामिन और एलानिन की सिंथेसिस के लिए भी जरूरी हैं। और ग्लूटामिन और एलानिन जब भी हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स का ज्यादा होना भी जरूरी है, तभी तो वो ग्लूटामिन और एलानिन को प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा फंक्शन ये है कि डेफिनेटली आपको पता है प्रोटीन, हमारा ब्रांच एंड अमीनो एसिड भी प्रोटीन है, तो ये फ्यूल भी है हमारी बॉडी का थर्ड ऑप्शन जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बाद लेता है। अब व्हाट इज द एविडेंस, रिसर्च क्या कहती है इनके बारे में? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ कनाडा के अंदर रिसर्च की उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर एथलीट्स 4 grams लेते हैं ब्रांच एंड अमाइनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज तो उनका मसल ब्रेकडाउन रिड्यूस हो सकता है। कितना लिया? 4 grams। अनिका पूछ रही है ट्रिपल मास्किंग में रिसर्चर को पता होगा अबाउट इंटरवेंशन ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रिसर्चर को बट डबल मास्किंग में भी पता होता है? मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, मुझे पता है, डेटा कलेक्टर को नहीं पता। रिसर्चर वो है जो पूरी रिसर्च को हेड कर रहा है, डेटा कलेक्टर वो है जो फील्ड में जाके डेटा ले रहा है। आप अभी तक ट्रिपल मास्किंग में फंस गए हो और हमने सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, खैर क्या मैं कह रहा था, हम जो भूल गए। हाँ, मैं कह रहा था कि रिसर्च में उन्होंने देखा कि अगर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज 4 grams ऑफ ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स लेते हैं तो उनका मसल ब्रेकडाउन कम होता है। अच्छा, इसी तरह जनाब एक और स्टडी में उन्होंने देखा कि अगर ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज उसकी सप्लीमेंटेशन करते हैं तो अगेन एथलीट्स का जो मसल डैमेज है वो कम होता है। अच्छा, लेकिन जनाब अब मजेदार बात यह है कि बिल्कुल यही इफेक्ट्स अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक लेते हैं जिसके अंदर हम 4 parts ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, 1 part ऑफ प्रोटीन लेते हैं, तो जनाब बिल्कुल सेम इफेक्ट्स हमें तब भी मिलते हैं, तब भी हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होता है। अच्छा, फिर एक और स्टडी की उन्होंने, और उन्होंने देखा साइक्लिस्ट के ऊपर स्टडी की और 100 kilometers की साइकिलिंग करने को उनको कहा और उनको ब्रांच एंड अमीनो एसिड से सप्लीमेंट किया। और इस स्टडी में उन्होंने देखा कि जी जब उनको ब्रांच एंड अमीनो एसिड दिए तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनका मसल डैमेज जितना होना था कंट्रोल ग्रुप का भी उतना ही मसल डैमेज हुआ और जिन्होंने ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स लिए थे उनको भी उतना ही डैमेज हुआ। तो इस स्टडी ने कहा कि जी कोई फायदा नहीं माइनो ये ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स लेने का। तो इसका मतलब है हमारे पास फेवर वाले रिसर्च स्टडीज भी हैं, अगेंस्ट वाले रिसर्च स्टडीज भी। अब जो ब्रांड ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो सिर्फ कौन सी वाली स्टडीज को रेफरेंस देगा? ऊपर जो 2 studies मैंने बताई जिन्होंने कहा कि जी हाँ मसल डैमेज कम हुआ BCA सप्लीमेंट्स लेने से, जो अभी स्टडी बताई है जिसमें साइक्लिस्ट्स को उन्होंने दिया और कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो रेफरेंस के तौर पे कभी यूज नहीं करेगा। अच्छा, डज एन एथलीट नीड देम? अच्छा जी, अब ये है कि एथलीट की परफॉर्मेंस तो ऐसे इम्प्रूव नहीं करने वाला ये। हाँ, अगर आप इनको 6 to 15 grams जो डिफरेंट रिसर्च स्टडीज में डोज यूज हुई है 6 to 15 grams पर डे अगर इतनी अमाउंट में आप लेते हो तो मे बी आपका मसल डैमेज जो है वो कम हो, प्रोटीन ब्रेकडाउन कम हो ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। मे बी का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। 16 to 15 grams डोज कैसे बेटे हमें पता चली? डिफरेंट रिसर्च स्टडीज में, मैक्सिमम रिसर्च स्टडीज में, ऑथेंटिक रिसर्च स्टडीज में ये वाली डोज यूज हुई है। ठीक है, अच्छा अब लेकिन जब हम डजन एथलीट निर्दम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो हम बहुत चैप्टर पिछले चैप्टर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिकवरी ड्रिंक पोस्ट एक्सरसाइज ड्रिंक आपने लेना है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, उसमें आपका प्रोटीन भी लेना होना चाहिए। तो जब आप प्रोटीन उस ड्रिंक में ले रहे हो, पोस्ट एक्सरसाइज मील में ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, तो वो प्रोटीन आपको वही इफेक्ट दे रहा है जो ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट लेने से हो रहा है, वो भी आपका मसल डैमेज को कम ही कर रहा है। तो हैविंग सेड दैट देयर इज नो पॉइंट कि आप बहुत इतने एक्सपेंसिव ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, मनान इज ऑनलाइन या बाकी जो भी कोई जिम गोअर है दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो देयर इज नो पॉइंट कि आप बीसीए सप्लीमेंट्स को सेपरेटली लो,
आपका पोस्ट रिकवरी जो ड्रिंक आप घर पे बना रहे हो, इवन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन 4:1 में ऐड करके, वो आपको बिल्कुल वो इफेक्ट दे रहा है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग है सप्लीमेंट्स की और कुछ भी नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला ड्रिंक ले रहे हो। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? रिलेटिवली सेफ है ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स, उनके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए, सिंपली बिकॉज जाहिर है वो हमारी प्रोटीन जो हम कंज्यूम करते हैं, कंप्लीट प्रोटीन जब हम लेते हैं तो उससे हमारे वो तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ रहे होते हैं। एक चीज जरूर हो सकती है जब आप सप्लीमेंटल फॉर्म में ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स लेते हैं कि BCA जाहिर है जब आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपके जो बाकी अमीनो एसिड्स की एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो सकती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स डेफिनेटली वो वाले होते हैं नॉन डिस्पेंसिबल जो आपने लाजमी अपनी फूड से लेने हैं। तो क्योंकि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स एब्जॉर्प्शन के लिए सेम पाथवे फॉलो करते हैं, तो अगर ये तीन आपकी डाइट में बहुत ज्यादा होंगे, जाहिर है आप सप्लीमेंट से भी ले रहे हो और आपके फूड से ये भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, और ये तीन आप खासतौर में सप्लीमेंट से भी ले रहे हो, विलीन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, तो बाकियों की एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। अच्छा जी, माया के लिए सर सेकंड वाली रिसर्च को दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा बेटे, सेकंड रिसर्च यानी वो जो अगेंस्ट थी उसमें ये था कि साइक्लिस्ट को हमने लिया 100 किलोमीटर, उनको कहा साइकिल करें और उनको ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज हमने ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स दिया। एक ग्रुप हमने कंट्रोल का बनाया था जिनको हमने सिर्फ प्लेसिबो दिया, यानी हमने कोई उनको लेट से इसबगोल दे दिया, शुगर दे दी, उसको ग्रैनुलेटेड फॉर्म में कुछ भी दे दिया, बट वो सप्लीमेंट नहीं था। और दूसरे इंटरवेंशन ग्रुप को हमने सप्लीमेंट दिया। दोनों के जब हमने कंपेयर किया तो इंटरवेंशन ग्रुप था या कंट्रोल ग्रुप था, दोनों के अंदर सेम इफेक्ट था, मसल डैमेज उतना ही हुआ कंट्रोल ग्रुप में और उतना ही हुआ इंटरवेंशन ग्रुप में, कोई फर्क हमें, कोई फायदा नहीं मिला हमें। ठीक है, तो आज का जो टेक होम मैसेज है प्लीज, अब आपने रिसर्च एविडेंस के साथ, बेटे मैंने बता दिया, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ना किसी ब्रांड वालों से मेरी दुश्मनी है, एविडेंस के साथ मैंने बता दिया कि थ्योरी क्या है ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स की, एविडेंस क्या कह रही है, रिसर्चेस क्या कह रही है और क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सो एंड रिजल्ट, कोई जिम गोअर अगर है तो उसको ब्रांच एंड अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज वो एक अपना पोस्ट रिकवरी ड्रिंक अच्छा उसके अंदर प्रोटीन ऐड कर, घर में होम मेड भी अगर वो है तो वो उसका मसल डैमेज कम ही हो करेगा। एक मिनट से कम रह गया, अगर कोई क्वेश्चन है छोटा सा बहुत तो वो जल्दी से आप कर सकते हो, अदरवाइज इंशाल्लाह हम बेटे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजेदार है, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है और ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा और होपफुली आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स ने आपके बहुत सारे पैसे बचाए होंगे होपफुली मेरी वीडियो देख के। ठीक है जी, चलो बेटे मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे जी बेटे, बेटे ड्रॉप हो जी, ये एक्सेसिव हमारे पास एक्सेसिव इनटेक कैसे रिड्यूस करती है अमीनो एसिड्स के अदर इफेक्ट, क्योंकि सेम पाथवे फॉलो कर रहे हैं ना, तो जब ये तीन बहुत ज्यादा हो जाएंगे इनटेक में तो बाकियों की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, एक चीज जरूरत से ज्यादा जा रही है ना तो बाकियों की एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे।